अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पूरे के पूरे 25,000 रुपए के पीसी बिल के बारे में। नाउ ये पीसी बिल कम्प्लीटली इंटेल बेस्ड है एंड यहाँ पे मजे की बात है कि ये फ्यूचर प्रूफ भी है। मतलब ये है कि आप इसको थोड़ा बहुत चेंजेस करके, इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करके, आप इसको अगले 3 साल तक या फिर 2 साल तक ईजिली चला सकते हैं। इन डी बेंचमार्क्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट यहाँ पे वैसी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी गेम्स है 2016-17 तक की, GTA 5 को इंक्लूड कर लिए, PC Lite को, PUBG मोबाइल को, Valorant, CS को, हमारे पास जितनी भी गेम्स हैं नॉर्मल किस्म की, वो इस PC के ऊपर काफ़ी अच्छे से चल जाएगी। RDR2 लो सेटिंग्स के ऊपर चल जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट नहीं करना, प्लेबल नहीं होगी, क्या पता 720p के ऊपर चल जाए। बट और जितनी हमारे पास गेम्स है वो 1080p लेवल की आप खेल सकते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ अगर हम रेंडरिंग परफॉर्मेंस को भी कंपेयर कर लें, अगर कोई फ्रीलांसर इस PC को बाय करना चाह रहा है तो वो भी इस PC के साथ जा सकता है। उसकी वीडियो एडिटिंग भी इस पर हो जाएगी, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, जितनी भी हमारे पास रेंडरिंग के काम है स्टार्टिंग के लिए, वो इस PC के ऊपर वो स्टार्टअप ले सकता है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेक्स, यहाँ पे हमारे पास पहले प्रोसेसर की बात कर लें तो यहाँ पे हमने क्वाड कोर प्रोसेसर चूज किया है, i5 का 2nd जनरेशन। यहाँ पे हमारे पास 4 कोर्स आते हैं जो हमारे लिए आजकल हर चीज के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट रहने वाले हैं। गेमिंग के लिहाज से भी मोर देन इनफ है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं है, बट फिर भी इससे कम नहीं होने चाहिए। कम से कम आपके पास 4 कोर्स होने चाहिए। परफॉर्मेंस से ले लें अगर हम रनिंग वगैरह की, तो उसमें भी 4 कोर्स मिनिमम चाहिए होते हैं। थ्रेड्स का काम होता है वीडियो एडिटिंग वगैरह में, रनिंग में, बट फिर हमारे पास 4 कोर वाला प्रोसेसर हो तो उसके थ्रेड्स भी हमें अच्छे भले मिल जाते हैं, 4 या 8 मिल जाते हैं मोस्ट केसेज में। i5 2nd जनरेशन में हमारे पास 4 कोर 4 थ्रेड्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो बजट के लिहाज से हम बात कर लें तो हमारा प्रोसेसर जो है वो हमें 25,000 रुपीज़ के अंदर अंदर एक बेस्ट किस्म की परफॉर्मेंस देने वाला है। उसी के बाद बात करीजिए यहाँ पर हमारे पास रैम की, तो रैम के केस में हमने थोड़ी सी कम रैम ली है। उसकी रीज़न ये कि मैंने यहाँ पे प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा है, ताकि बाद में अगर हम रैम को एक्सटेंड करना चाहें काफ़ी इजीली हम रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हम हार्ड डिस्क को एक्सटेंड करना चाहें तो हार्ड डिस्क को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने 4GB की जस्ट रैम यूज़ की है। 4GB की DDR3 वाली रैम होनी चाहिए। आपने फ्यूचर में अगर आपको थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ रही है रैम की, तो आप 8GB रैम या फिर 16GB रैम तक भी जा सकते हैं। बट इस बजट के अंदर 25,000 रुपीज़ के PC बिल के अंदर हमने 4GB की रैम यूज करनी है। अगेन स्टोरेज के केस में थोड़ा सा कंप्रोमाइज के, यहाँ पे हमने 250GB की हार्ड यूज की है। आई नो 500GB तक भी जा सकते थे, बट वहाँ पे जाने से हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड का थोड़ा सा बजट था वो लिमिटेड हो जाता, इसीलिए यहाँ पे हमने जो है ग्राफिक कार्ड को ज्यादा फोकस में रखा है। हार्ड डिस्क के ऊपर दोबारा से 250GB की हार्ड डिस्क ले लेनी है। एंड ये एक प्री बिल्ट PC होने वाला है जिसके अंदर आपको जो है i5 2nd जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा, आपको 4GB की रैम मिल जाएगी, 250GB तक की हार्ड डिस्क मिल जाएगी, GB तक की हार्ड डिस्क मिल जाएगी, बेसिक्स है, H61 मदरबोर्ड मिल जाएगा, 2 RAM स्लॉट्स वाला हो 4 RAM स्लॉट्स वाला हो कोई मसला ही नहीं है। आपने जो रैम लेनी है वो 4GB की सिंगल स्टिक वाली रैम होनी है, 2-2GB करके 4GB नहीं बराबर करनी, आपने 4GB की ही सिंगल स्टिक GDDR3 की रैम लेनी है, ताकि हमारे पास जो फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहें तो वो आसानी से हो जाएगी। एट लास्ट यहाँ पे हमारे पास केसिंग एंड पावर सप्लाई रहेगी। यहाँ पे हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो मिनिमम 450 वॉट्स की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो ग्राफिक्स कार्ड है वो थोड़ा अच्छा है, हैवी किस्म का है। हमारे पास जो पावर हैंगरी है, यू कैन से पावर हैंगरी है यानी, बट इस बजट के लिहाज से 500 वॉट्स 450 वॉट्स थोड़ा पावर हैंगरी हो जाता है, इसीलिए आपने जो है 450 वॉट्स मिनिमम रखनी है। मैक्सिमम 500 वॉट्स तक जा सकते हैं, उसे ऊपर नहीं जाना, वैसी पैसे का ज्यादा है, इसलिए 450 वॉट्स की पावर सप्लाई ले लेनी है। प्री बिल्ट PC के अंदर मोस्टली केसेज में 450 वॉट्स की पावर सप्लाई नहीं होती, इसलिए आपने 450 वॉट्स की पावर सप्लाई एक्स्ट्रा से ऐड करनी होगी। एंड केसिंग वही बिल्कुल सादा किस्म की हमारे पास जो है, तो ऑप्टोप्लेक्स वाली केसिंग होगी, ब्लैक कलर की केसिंग होगी, सामने की तरफ मैश होगा, एंड सामने की तरफ भी एक फैन होता है, बैक साइड भी एक फैन होता है। फैन वगैरह को डिस्कस करने का फायदा नहीं, भेजा हमें एयर फ्लो नहीं चाहिए, जस्ट एक डिब्बा चाहिए जिसके अंदर हमने सारे कंपोनेंट्स को कवर करना है, इसीलिए आपने ऑप्टोप्लेक्स वाली केसिंग पकड़ लेनी है। नाउ यहाँ तक हमारा PC मिनिमम 13,000 से 14,000 रुपए पावर सप्लाई ऐड करने के बाद बन ही जाता है। आपने पावर सप्लाई काफी महंगी वाली नहीं लेनी, ऐसा ना हो कि थर्मलटेक की 4,000-5,000 रुपए की पावर सप्लाई पकड़ के ले हैं, आपने बिल्कुल सस्ती वाली लेनी, या आप शॉपकीपर को भी कह सकते हैं कि यार मेरे जो ये पावर सप्लाई इसी के अंदर पावर प्लग लगा दो 6 पिन वाला, क्योंकि हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड है उसके लिए हमें 6 पिन वाले पावर जो है हमारे पास कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, आप उसके अंदर भी लगा सकते हैं अगर आप वो 450 वॉट्स की पावर सप्लाई है, तो ऐसा ना हो कि भैया 280 वॉट्स की पावर सप्लाई उसके अंदर आप 6 पिन वाला पावर कनेक्टर घुसा रहे हो, क्योंकि शॉपकीपर ये बात नहीं बताते, आप उसको कहेंगे वो लगा भी देगा, उसने आपको नहीं बताना कि भैया ये कर लो वो कर लो, यस उसका अगर फायदा हुआ तब बताएगा, वैसे नहीं बताने वाला। अच्छा जी, अभी ग्राफिक्स कार्ड की बात के लिए यहाँ पे हमने चूज कर लेना है जी 2GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड।
256 बिट रेट वाला ग्राफिक कार्ड एंड DDR5 वाला ग्राफिक कार्ड। इस बजट के अंदर ऐसा ग्राफिक कार्ड ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि ऐसे स्पेक्स हमारे पास GTX 750 जैसे ग्राफिक कार्ड में होते हैं एंड वो ग्राफिक कार्ड हमारे पास मिनिमम 17,000 से 15,000 रुपए की रेंज में मिलता है। बट हमने चूज करना था भैया ऐसा ग्राफिक कार्ड जो कि 10 से लेकर 12,000 रुपए के अंदर अंदर हो, क्योंकि हमारा 14,000 रुपए का CPU बनता है एंड 12,000 रुपए का ग्राफिक कार्ड, दोनों मिला के 26,000 रुपए बनते हैं। एंड अगर 1,000 रुपए डिस्काउंट मिल जाए तो 25,000 रुपए का PC हो जाएगा। ग्राफिक कार्ड हमने जो चूज किया है AMD का HD 7850 ग्राफिक कार्ड है, 2GB DDR5 256 बिट रेट के साथ एक ग्राफिक्स कार्ड आता है। इसकी जो इन डिटेल बेंचमार्क है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, कंप्लीट PC के भी मिलेंगे, ग्राफिक कार्ड के स्पेक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगी, वहां पे जाके आप सारा कुछ देख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।